इसको क्या कहते हैं? इसको स्नो शवल बोलते होंगे। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज आपको हम सिखाएंगे कि स्नो शवल कैसे करता है। क्योंकि कनाडा में आप घर तो खरीद लो, लेकिन आपको कोई ये नहीं बोलता है कि स्नो शवल भी करना पड़ेगा। तो मेरे ग्लव्स -20 तक जा सकते हैं, मेरे शूज़ -20 तक जा सकते हैं, मेरा जैकेट -25 तक जा सकता है, और अभी का टेम्परेचर -10 है। तो इट इज़ गुड फॉर यू, राइट? तो इससे पता चल जाएगा कि स्नो हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बीच में से डिवाइड करके आधा इस साइड करो, आधा उस साइड करो। हाँ, फेंकने की ज़रूरत नहीं है ना नी। एंड हाँ, एंड इट इज़ बेनिफिशियल कि जैसे ही बर्फबारी बंद हो, अभी लिटरली 10-15 मिनट पहले बंद हुई, तभी आप कर लेते, वो लूज रहती है। मेरा भी डेब्यू है तो इसको अपने उस पे करें। हाँ, और इसी के साथ हम थक गए हैं, पर हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अब मेरा टर्न, आपकी बारी। yes. आप भी करोगे? हाँ। थकोगे नहीं? नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। यहाँ पे फ्रंट यार्ड होगा, इसको अभी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये यहाँ से घर में जाते हैं, इसको भी साफ़ करना चाहिए, पर हम लोग इसी एंट्री को यूज़ करते हैं तो अभी साफ़ नहीं करते। बेसिकली हमने 2 दिन पहले ही इसको साफ़ किया है, तो वो थोड़ा सा किनारे में उठा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो हमें पता है कि कहाँ तक साफ़ करना है ताकि हमारी गाड़ी निकल जाए। ये गाड़ी के लिए मेन है, हमारा साइड वॉक नहीं है तो इसलिए साइड वॉक को साफ़ नहीं करना है, बट हाँ ड्राइववे को साफ़ करना है। हमारे लिए यही एक्टिविटी है कोविड में, कहीं बाहर नहीं आ सकते, तो ये लीजिए स्नो, ये लीजिए शवल, चालू हो जाइए। ये आपको अच्छा लगता है ना, आप बोल रहे थे? yes, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली। ओ, बहुत मज़ा आ रहा है कुछ फिजिकल चीज़ करते हुए, आफ्टर डूइंग ऑल द समथिंग डिफरेंट। ओ, ये तो उसका किसी एक फेमस टोमेटो केचप का ऐड हो गया, इट्स डिफरेंट। जब आपका दिमाग थक जाए तो घर के बाहर निकलें और शवल ले लें और चालू हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर काम करते हुए लोग। अब हमारी बारी है, इसको ख़त्म किया जाए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर दी आपने। हाँ हाँ हाँ, यही तो, ये भी देखो, यही बचा हुआ है, ये वाला। इसको लो, आप आके साफ कर दो, आपका फोटो खींच देते हैं, यहाँ पे थंबनेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली अपना पूरा ड्राइववे साफ कर दिया है, मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने बहुत मेहनत की है, मोस्टली उन्होंने की है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगी है इसको करने में। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।